ज्ञान, अखंड ज्योति, और वो निष्ठा कभी टूटे नहीं, इसको अखंड निष्ठा भी कहता हूं मैं। तो एक सूत्र ये हुआ कि एक महान जीवन जीने का संकल्प, वो ज्ञान, वो ज्योति, वो हमारी अखंड रहे, और ये निष्ठा भी हमारी ऐसे जीवन जीने में हमारी अखंड रहे, और वैसा बनने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी अखंड रहे, प्रचंड रहे। एक तो सूत्र ही है, इसको मैंने शब्दांतर से भी कहा है। हर समय यह एहसास, जैसे कोई राजवंश में पैदा होता है तो उसको पैदा होते कहते हैं तू राजा का बेटा है, तुझे राजा बनना है, और राजा का ये धर्म है, राजा का ये कर्म है, राजा के अंदर ऐसी प्रतिभाएं होनी चाहिए, राजा के अंदर ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए। ऐसा करके हजारों हजारों वर्ष हमारे यहां पर राजवंश चले इसी भाव चेतना से। वो फिर वो किसी प्रलोभनों में नहीं पड़ते, उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग जिसको मैं कहता हूं बार बार, उनका पूरा शरीर, भाव, मन, चित्त, चेतना, आत्मा, उनका पूरा अस्तित्व, उनके रग रग में, उनके पूरे अस्तित्व में ये रच बस जाता है। तो ये दिव्यता हमारे भीतर पूरी रच बस जाए, दिव्यता पूरी रच जाए, बस जाए, हम वही हो जाए, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवम शिव। अब इसके बाद मैंने कहा कि सबसे बड़ी एक, मैं एक शब्द से आज की बात को कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जीवन को अनेक शब्दों से हम परिभाषित कर सकते हैं, जीवन के भी मैंने बार बार कहा अनंत पहलू हैं। उसमें एक पहलू जब जीवन के बारे में बड़े रूप में कहा जाता है, स्वामी रामदेव का क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी रामदेव, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोदी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पटेल, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राम कृष्ण गौतम कणादे जैमिनी पाणिनि पतंजलि बुद्ध महावीर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बात कही जाती है। तो भाई कंट्रीब्यूशन तो तब होगा ना जब उसके अंदर सामर्थ्य होगा और उसके वो अपने व्यक्तित्व को फिर अपने सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से बड़ा बनाएगा। योगदान के बिना योग बेकार है। कुछ लोग योग योग कहते रहते, दान कुछ होता नहीं उनका। योगदान कितना बड़ा शब्द है, जो कहते हैं ना हम योग करते हैं और योगदान कुछ उनका है नहीं, तो वो योग नहीं करते, वो भोजन भट्ट हैं, पराठे खाने के लिए कपाल भाती करते हैं। हाँ, कपाल भाती करके पराठा भाती करते हैं, तो वो योग नहीं करे हो। योगदान उसको कहते हैं कि आपने अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लिया है, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती है। तो जीवन का अगला सूत्र है अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जीवन प्रबंधन करें, प्राथमिकताएं तय करके मुझे, क्योंकि वक्त सबके पास में सुनिश्चित है, उससे ज्यादा नहीं। उन 24 घंटों में ही हमें महान जीवन का आरोहण पाना है। महानता की जीवन की भी सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, सोपान है उसके। उस महान जीवन का आरोहण पाने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं, और एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ता है, एक मर्यादित व्यवस्थित एक जीवन पद्धति के अनुरूप आपको जीना पड़ता है। अब कुछ लोगों को लगता है ये तो बड़ा बंधन है, हमको तो फ्रीडम चाहिए। जैसे मैं न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्विटी की बात कर रहा था, तो तीसरा एक शब्द पूरी दुनिया में गूंजता है, फ्रीडम। अब फ्रीडम के नाम पर लोग जो है, स्वतंत्रता के नाम पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया पूरे मीडिया में, जब बहुत ज्यादा स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आजादी भाई आजादी, इससे भी आजादी, उससे भी आजादी, इसकी आजादी, उसकी आजादी। मैंने कहा भाई हमारी आजादी से किसी भी मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन प्रकृति इस अस्तित्व की आजादी यदि बाधित होती है तो आजादी नहीं हो। अब ये ऐसे ऐसे आपको अपने बात कहने का तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण भी आना चाहिए। अब कितनी बड़ी व्याख्या हो गई आजादी की।
कि हमारी आजादी से हमें खाली मनुष्य बोलता तो फिर जीव जड़ चेतन जगत प्रकृति एनवायरमेंट और बाकी बेचारे गाय भैंस भेड़ बकरियां सबको परेशान कर रहे हैं धरती पर कितने और उनके ऊपर क्रूरताएं जुल्म जातियां हो रही मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत की आजादी हमारी आजादी से बाधित नहीं होनी चाहिए इसको कहते हैं आजादी। बाकी सब आजादी के नाम पर तो उद्दंडताएं हैं व्यक्ति की जो है अविवेकपूर्ण मांगे है वो उसको आजादी नहीं कहा जा सकता। खैर तो हमें अपने एक मर्यादित संयमित जो भी शब्द बोले उसको किसी को शब्द प्रयोग में भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो सर्वग्राही हो। जैसे मैंने कहा किसी को ये स्पिरिचुअल वैल्यूज कहने में दिक्कत आती है तो मॉरल वैल्यूज कह दो। इसने मॉरल वैल्यू बल मैं मॉरलिटी को नहीं मानता मानवता को तो मानता मनुष्य तो कैसे नकार देगा तो ह्यूमन वैल्यूज बोल दो ऐसे। फिर आपको एक बहुत बड़े कार्य का निष्पादन करना है तो ये प्रश्न बहुत छोटा और बहुत बड़ा है। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना हुआ है अपनी मूल प्रकृति की खोज करें। अब इसमें भी बड़ा बखेड़ा है कुछ अपनी प्रकृति की खोज करने में 50 साल लगा देते हैं पूरी जिंदगी बीत गई प्रकृति की खोज चल रही है। इसमें विनोबा जी का भी एक प्रसंग बहुत मुझे आनंददायक लगा तो उनका गीता भाष्य पढ़ रही थी तो दीदी ने मुझको बताया कि वो भी ऐसा ही मानते हैं और मैंने तो ऐसा ही देखा है जीवन को कि मूल प्रकृति की खोज करने में और पूरी दुनिया को मैंने देखा है पूरी दुनिया में मूल प्रकृति की खोज करने में लोग समय नहीं बर्बाद करते। विश्व के 99% लोग भारत को छोड़कर के भारत के लोग तो प्रकृति की खोज करने में लगे हुए अभी कोई जीव की खोज करने में लगे कोई ब्रह्म की खोज करने में लगे हैं कोई मुक्ति की खोज करने के में लगे हुए हैं पता नहीं किस किस की खोजें चल रही हैं भारत में बहुत भयंकर। तो मूल प्रकृति की खोज यही है कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति है ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसकी व्याख्या लोग सैकड़ों तरह से कर सकते हैं जैसे अलग अलग शास्त्रों की व्याख्याओं के नाम पर भी बहुत अलग प्रकार की एक चीजें हुई। तो मूल प्रकृति की खोज यह है कि जो हमारे सामने युग की मांग है उसके अनुरूप हम इसमें क्या चुन सकते हैं मेरा योगदान क्या हो सकता है। फिर वापस वही शब्द आ गया कि मैं इस प्रकृति को सुंदर बनाने में स्वयं को सुखी करने में और समष्टि को का सुख बढ़ाने में इसको सुंदरतम बनाने में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक मानवीय और मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को सुख पहुंचाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है उसमें से चुन लो जो अपने सामर्थ्य अपने सामर्थ्य का तो बालक को ही बोध हो जाता है। मेरे को तो ये बात का 15-16 साल की उम्र में बोध हो गया था। सब विदेशों में जो लोग रहते हैं 18 साल में 99% लोग तय कर लेते हैं 1% फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जैसे मेरी मूल प्रकृति योग की थी मुझे ये था कि मुझे योगी बनना है। अब मुझे ये थोड़ी पता था योगी बनने के लिए व्याकरण भी पढ़ने अष्टाध्यायी महाभाष्य भी पढ़ना है दर्शन उपनिषद भी पढ़ने हैं फिर योगी बनने के लिए योग भी कराना पड़ेगा फिर योगदान भी देना पड़ेगा कुछ कर्म योग भी करना पड़ेगा उसके लिए संस्था संगठन भी बनाना पड़ेगा ये तो बनते गए। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मुझे प्रवचन भी करना पड़ेगा मैंने तो नहीं सोचा था। तो प्रकृति स्वयं अनुभव में आती है कि अपना 1, 2, 3 तरह का सामर्थ्य बढ़ा लो। अब मेरा सामर्थ्य कम से कम 20-30 तरह का बढ़ गया है मेरा सामाजिक सामर्थ्य भी बढ़ गया आर्थिक भी बढ़ गया राजनीतिक भी बढ़ गया धार्मिक भी बढ़ गया आध्यात्मिक भी बढ़ गया मेरा वाणी का सामर्थ्य भी बढ़ गया। बल तो एक सीमा में रहता है वो बल मेरा मतलब मैंने ज्यादा घटने नहीं दिया है थोड़ा सा तो कम हुआ होगा तो शरीर का बल इस रूप में तो नहीं बढ़ा मेरा तो थोड़ा सा ही था लेकिन मेरे साथ मेरे शिष्य मेरी प्रजाएं बहुत हो गई। मैं कई बार ऐसे मंत्र मैं सोचता था ये रोज मंत्र पढ़ते हैं आयंत इधमात्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्य चेद्ध वर्धय चासमान प्रजया। मैंने कहा हमारी प्रजा कैसे है भाई हम तो बाबा जी आदमी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं 25 साल बाद में इस अर्थ का पता लगा कि ये सारी ये तो प्रजा मेरी है। तो मैं तो बहुत बड़ी प्रजा वाला हूं जब भगवान प्रजापति है। शास्त्र में 2 शब्द का प्रयोग आता है जब गृहस्थी बनते आता है ओम मम भवते हृदय ते ददा मे मम चित्त मन चित्तम ते अस्तु मम वाम आचम एक वनाम जसस्व प्रजापतिस्त्वा नियुक्त मयम। तो ये तो जब ब्याह करते तब बोलते हैं
और सन्यासी बनते हैं तो बोले बृहस्पति स्वा नियुनक्त मह्यम, तो मैं तो प्रजापति भी हूं, मैं तो बृहस्पति के साथ भी जुड़ा हुआ, दोनों कामों से। तो ये चीजें वक्त के साथ, तो मैं कह रहा था तीसरा, अपनी प्रकृति की खोज बहुत सहजता से हो जाती है। ऐसा नहीं कि पता लगा 40 साल 50 साल की उम्र बीत गई और प्रकृति की खोज ही चल रही है। जो अपने सामने दिखता है उस दायित्व को ले लो अपने सिर के ऊपर और उसको 100% निभाओ, नॉट 99%। नोट करो, नोट किया जाए इस पॉइंट को, संसद में कार्रवाई चलती है तो बोलते इसको उससे कार्रवाई से निकाल दो। ये कि क्या बोला अभी, प्रकृति की खोज का मतलब है अपना दायित्व ले लो तो सामने दिख रहा है। भैंस खुल गई तो खूंटे से बांध दो, ये नहीं कि प्रकृति की खोज करूंगा साहब, बांधू कि नहीं बांधू, भैंस जी खूंटे से खुल गई जी। हाँ, तो जो सामने कार्य दिख रहा है उसको करो और 100% जिम्मेदारी से करो, तो फिर आप जिम्मेदार कहलाओगे। नहीं तो 99% लोग दुनिया में गैर जिम्मेदार हैं, इसीलिए घर परिवार समाज देश और दुनिया में तबाही हो रही है। गैर जिम्मेदार नहीं बनना, ये बहुत बड़ा दोष होता है गैर जिम्मेदार होना। तो एक दिव्य जीवन के सूत्र और हमेशा मित्रता बड़े लोगों से करो। मेरे बचपन से कोई आयु में ज्ञान में सामर्थ्य में कुछ छोटे वाला मित्र ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। हमारे पूज्य गुरुजी भी एक दिन इस बात को कह रहे थे, बोले हम जीवन में जो बनते हैं उसमें हमारे हम साथ के लोग कैसे, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो बड़े लोगों का आश्रय लो। तो बड़े व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप हो जाएगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, उसको भी साथ में जोड़ लो, इच्छा ना होने पर भी, इच्छा ना होने पर भी अपने स्वकर्म और स्वधर्म से विचलित नहीं होना, उसको करना है। इच्छा ना होने पर भी योग करना है, इच्छा ना होने पर भी कर्मयोग करना है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। इच्छा ना होने पर भी जो अच्छे कर्म पता लगता है ना, जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिलता है, इच्छा ना होने पर भी उनको करना है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज 50 साल तक एक बार भी सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत, कभी एक आधी बार बुखार भी चढ़ा गुरुकुल कालवा में जब मोटे मोटे मच्छर और डांस काटते थे, कुछ भी हुआ एक बार भी मैंने विश्राम नहीं किया। और मुझे लगता है मेरी 100 साल की लगभग जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और मुझे लगता है मेरे को आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, एक छोटी सी बात है, मैंने एक जज को सुना, मैंने उदाहरण कई बार दिया, सुप्रीम कोर्ट के वो जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, कि मैं एक दिन भी अपनी ड्यूटी से लेट नहीं हुआ, एक दिन भी। 62 या 65 साल में रिटायर हुए थे, कि एक दिन भी, बोले एक बार मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ गया था तो भी मैं प्लास्टर बंधा के आ गया था। अब उसको ये बात कहने में, जैसे पूज्य स्वामी सोमन जी महाराज कहते थे, भाई तो अंतिम स्वास्थ्य की पता लगेगा भाई मैं कैसा हूं, ऐसा कहने में ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए हमारा। तो इच्छा ना होने पर भी, क्योंकि मैंने देखा, मैं पूछता भाई क्यों नहीं किया, बोलो पता नहीं, इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं। और एक और बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, आपको महान तत्वमसी प्रज्ञानं ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, ऐसा एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट करके आने का अभ्यास होना चाहिए। यदि यह हो जाता है, मैंने 2-3 बार ऐसा अनुभव किया कि मैंने किसी को एक बार जोर से डांट दिया, ऐसे मैंने मतलब बहुत
उसने गलती कर दी। तो उसी उस दिन मुझे एक बार बड़े हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने किसी को बहुत जोर से डांटा। तभी भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसे देखना तो पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, इतने से काम हो जाता है। खैर, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का, आने का अभ्यास होना चाहिए। कई बार गुरुजी भी बोलते हैं, बोले समझे आप एकदम से बैक गियर कैसे लगाते हो। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो ये तो पता नहीं कि फ्रंट लगा हुआ है बैक लगा हुआ है। भाई ठीक है जो भाई, मैं अपने उत्तरदायित्व से संसार के क्षणिक सुखों का त्याग कर सके, और उन आत्माओं का हम आह्वान करते हैं वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में कि आए, कि हम अपने इस जीवन की महानता को, दिव्यता को, विराटता को हम अनुभव करें, और हर एक नर में जो नारायण है, हर एक जीव में जो ब्रह्म है, पुरुष में जो महापुरुष, मानव में जो महामानव है, एक एक व्यक्ति में जो परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य दिया हुआ, हम उसको जाने, उसको जगाएं, उसको उपयोग में लाएं, और कुछ ऐसा करें कि अपना कुलवंश से लेकर के हमारा वंश, ऋषियों का वंश, भगवान का वंश, मूलतः तो हम ब्रह्मवंशी हैं, बाकी तो सारे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये जाति वो जाति, ये मजहब वो मजहब, इन पचड़ों में हम कभी पड़े नहीं और ना हम पड़ेंगे, और ये हमारा चरित्र है, ये खाली कोई जो है हमारी रोजी रोटी नहीं है, ना हमारी यह ना हमारा कोई पाखंड है, ना कोई हमारा कोई इसमें एजेंडा है, हम इसको मानते हैं। तो ऐसे जो भाई बहन हैं उनको हम वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। इस बार भी करीब 1000 भाई बहन आना चाह रहे थे, लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ पाए, तो वो गुरु पूर्णिमा तक अपने घरों में बैठ करके तैयारी करें, और उसके लिए आपकी सब हमारे वरिष्ठ सन्यासी, हमारे वरिष्ठ भाई बहन जिन्होंने अपने जीवन को इस दिव्यता में ढाला है, ये सब आपकी मदद करेंगे। इसके लिए आप घर पर बैठे बैठे अब अपना व्यर्थ समय न गवाएं, पूरा एक एक क्षण का, जैसे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, जिसने क्षण को जान लिया वो विद्वान हो गया, वो योगी हो गया, ऋषि हो गया, और जिसने कण कण को पहचान लिया, एक एक जो है अपनी शक्ति संचय किया, वो धनवान हो गया, ऐश्वर्यवान हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य जो इकट्ठा करते रहते हैं वो ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, और एक एक क्षण को जो दिव्यता के साथ जीते हैं वो दिव्यता में, देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण पा लेते हैं। तो ऐसे वो सब भाई बहन सुबह 4 बजे उठ जाए, और 4 बजे उठ करके पहले तो मेरे साथ ध्यान का अभ्यास करें, योगाभ्यास करें, और दिन भर जो अलग अलग वैदिक चैनल पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण चल रहा है उसको रोज देखें, और वैदिक चैनल यूट्यूब पर वहां जाकर के श्रीमद् भगवद गीता और दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, कम से कम ये 4 शास्त्रों का पाठ सुने, और जितना अपना सामर्थ्य है उतना स्मरण करना शुरू कर दें, तो इस मार्ग में आपकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, और आपके भीतर से जैसे एक बीज से वृक्ष एक विराट रूप में निकलता है, और उस बीज से फिर अनेक बीज निकलते हैं, अनंत अनंत बीज निकलते हैं। एक एक बड़ का, एक पीपल का पेड़ का बीज बोया, और उस बड़ और पीपल में तो कितने बीज निकलते हैं थोड़े ही दिनों के अंदर, 10-20 साल तो लगते हैं, 10 साल तो लग ही जाते हैं एक वट वृक्ष तैयार होने में, लेकिन उसके बाद उससे अनंत बीज निकलते हैं। ऐसे आपके भीतर का अनंत सामर्थ्य कैसे प्रकट होता है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था कि मेरी उपयोगिता क्या होगी संसार के लिए, मेरा योगदान क्या होगा इस संसार के लिए, मेरी जीवन की सफलता क्या होगी। मैंने तो कई बार कहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा, बस मेरे को ये पता था कि ऐसे जाना है, लेकिन किस रास्ते से जाना, ना पथ पता था, ना पाथे पता था, ना मंजिल का पता था, ना गुरु का पता था, ना गंतव्य का पता था, बस ऐसे ही निकल पड़ा घर से और बढ़ता गया, और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, ये जो जो हम बार बार भजन गाते रहते हैं, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा,
तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जर्क। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो अपो दीपो भव, अपने आत्म ज्योति जागृत करके जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो अपने आप पथ का विधान। मैंने एक लेख पढ़ा योगी श्रीअरविंद का, तो वो मैंने हर समय उसको अनुभव किया कि पथ का विधान ही ऐसा है। तो पथ का विधान ही है कि बस उस पर एक बार आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी सहायता करेंगे और हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और इस मार्ग पर आपकी मदद करने के लिए स्वयं भगवान आपको आशीष देते हैं। इस संसार की सारी दैवी शक्तियां आशीष देती हैं। मैंने जो करीब 35 साल पहले ब्रह्मचर्य सूक्त मेरा सबसे प्रिय सूक्त था, लेकिन ब्रह्मचारी शास्त्रति रोदसी उभे तस्मिन देवाह सम्मनसो भवन्ति, सारी दैवी शक्तियां उसके साथ सम्मनस हो जाती हैं, उसको आशीष देती हैं। स दाधार पृथ्वीम दिवम च, हम हमारे गुरु जी कालवा में इस बात को बार बार एक बात कहते थे, बोले भगवान जो है ब्रह्मचारी जो है वो धरती को उठा लेता है और वो कहता है इधर पलटो या उधर पलटो। तो मैंने कहा गुरु जी तो बहुत कठिन काम है, धरती पलटना बड़ा काम। एक इसके पीछे एक बात बड़ा प्रतीक है, स दाधार पृथ्वीम दिवम च स आचार्यम तपसा पिपरति। और ये सारा जो ब्रह्मचर्य सूक्त है ना, मैंने देखा है कि आज पतंजलि संस्था संगठन के द्वारा और जो भगवान हमें निमित्त बना करके श्रद्धे आचार्य श्री को, श्रद्धे गुरुदेव को, आप सब भाई बहनों को निमित्त बना करके जो भगवान के द्वारा यहाँ निष्पादित हो रहा है भगवान के नाते, वो ये सब इसका प्रत्यक्ष है। तो हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे सब सन्यासी भाई बहन आपकी सहायता के लिए तैयार है। आइए इस मार्ग पर और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इस धरती पर निश्चित रूप से एक बहुत ही दिव्यता का विस्तार होगा। इंद्रम वर्धन्तु अपत्रः कृण्वन्तु विश्वमार्यम्। अब हमारे जीवन में भी, जगत में भी बहुत प्रकाश होगा। माना लाख हजार करोड़ चुनौतियां हों, लेकिन उसके बीच में भी हम जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ से सबका कल्याण होगा। तो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग है, पथ है, हम इसका अनुसरण करें। ऐसे ही आप की सहायता करने के लिए हम आपके साथ में संवाद करते रहेंगे और हम सब मिल करके इस बात का प्रामाणिकता से मंथन चिंतन करेंगे कि इस ऋषियों के पथ पर चल करके, वेद के योग के पथ पर चल करके किस प्रकार से हम अपने जीवन में सबसे अधिक योगदान दे सकते हैं, इस संसार के सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, अपने माता पिता कुल परिवार वंश का, अपने ऋषियों के वंश का और स्वयं भगवान का हम गौरव इस धरती पर बढ़ा सकते हैं इस श्रेय पथ पर चल करके, ऋषियों के पथ पर चल करके। इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम सब प्रकार की पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से मुक्त होकर के, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को पूर्णता से जी सकेंगे। और रोज आपको ऐसे ही ये प्रबोधन मिलता रहेगा वैदिक चैनल के माध्यम से। बाकी तो आस्था संस्कार आदि पर जो प्रबोधन आप सुनते रहते हैं, कि विशेष रूप से इस दिव्य जीवन के पथ पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको दिव्य जीवन के सूत्र में स्वयं और मेरे सभी आत्मजा जो सन्यासी हैं वो आपको इस मार्ग में आपकी मदद, आपकी सहायता, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।